ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय संसद में कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। भारत सरकार के दो मंत्री पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह राहुल गांधी से एक ऐसे बयान के लिए माफी मंगवा रहे हैं जो उन्होंने दिया ही नहीं। उधर कांग्रेस अब पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री ने आज से कई साल पहले प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी जमीन पर जो बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जमाने में शर्म आती थी भारतीय होने पर, उस पर माफी मांगे। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि क्या राहुल गांधी या प्रधानमंत्री को उन बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। मगर सबसे पहले दोस्तों, जिस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसके लिए कांग्रेस कह रही कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, वो बयान मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और ये फैसला आप कीजिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री ने विदेशी जमीन पर देश की तौहीन की थी। सुनते हैं दोस्तों। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया में दो बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड चल रहे हैं। पहला ट्रेंड जो कांग्रेस चला रही है, मोदी इंसल्ट्स इंडिया, और दूसरा ट्रेंड जो आम आदमी पार्टी चला रही है, अनपढ़ प्रधानमंत्री। तो इन दो ट्रेंड्स के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। मणिकम टैगोर आपके स्क्रीन्स पर। मणिकम टैगोर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सावरकर नहीं जो माफी मांगेंगे, मगर माफी किसे मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जो बार बार विदेशी जमीन पर जाकर पिछली सरकारों की बेइज्जती करते हैं और देश की नाक काटते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के 6 अलग अलग बयानों का हवाला दिया गया है और इन सभी बयानों का मकसद है कि किस तरह से विदेशी जमीन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तौहीन की थी। मैं चाहूंगा कि आप उन 6 के 6 बयान सुने जो करीब 1.5 मिनट है और खुद आप फैसला करें। सुनते हैं। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री ने देश की तौहीन की थी? मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक ट्रेंड चला रहा है, अनपढ़ प्रधानमंत्री। वो कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल हैं वो IIT से निकले हैं, मगर प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का जिक्र करके कि वो किस तरह की बातें करते हैं और जिससे देश की नाक कटती है,
सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने बाकायदा यह वीडियो बनाया, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें किस तरह से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है अनपढ़ प्रधानमंत्री के ट्रेंड के जरिए। सुनते हैं, देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा? कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना? भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ? कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा? भागा कोरोना? कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए? इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। बात यहां नहीं रुकती है, प्रधानमंत्री के कई पुराने बयानों का भी हवाला दिया जा रहा है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 1987-88 में ईमेल भेजा था, जबकि आप जानते हैं कि भारत में ईमेल का आगमन 1995 के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं चाहूंगा आप खुद सुने। शायद देश में शायद क्योंकि कोई हो सकता है मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहां विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय, मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। तो प्रधानमंत्री के सिर्फ इस इंटरव्यू के जरिए यह नहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, बल्कि इस वीडियो का भी हवाला दिया जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ लिख रहे हैं, मगर अगर आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री का जो पेन है वो पेपर को नहीं छू रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि प्रधानमंत्री इसी तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं जब इस तरह की हरकतें करते हैं, यानी कि वो लिख कुछ नहीं रहे हैं, पहले से लिखा जा चुका है, मगर कैमरे के लिए प्रधानमंत्री जो है इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो कुछ लिख रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, क्या इन तमाम बयानों के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए? इसका जवाब कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री को किन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। याद कीजिए दोस्तों, विदेशी जमीन पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। यह बहुत ही शर्मनाक बात थी दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री को किसी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए तो इस बयान के लिए, क्योंकि ऐसे बयान के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने देश की तौहीन की है। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी अन्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, मगर एनआरआईज की जबरदस्त भीड़ के सामने ट्रंप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो माफी मांगनी चाहिए तो प्रधानमंत्री को इस बात के लिए, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा धूमिल होती है। एक और चीज के लिए प्रधानमंत्री देश से माफी मांग सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री जब विदेशी जमीन पर जाते हैं तो महात्मा गांधी की मूर्ति जहां पर भी उन्हें दिखती है तो उसके सामने वो सिर झुकाते हैं। प्रधानमंत्री, आज पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका पूरा प्रचार तंत्र महात्मा गांधी को गाली देता है। 30 जनवरी जो कि महात्मा गांधी का शहादत का दिवस है, उस दिन आपके पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गोडसे जो कि भारत का पहला आतंकवादी था उसका महिमा मंडन करते हैं। मैं नहीं भूला हूं ये सांसद प्रज्ञा, इन्होंने गोडसे को नायक बताया था। तब आपने ही कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी के सांसद, समर्थक, प्रचार मीडिया
जब गोडसे का महिमा मंडन करता है ना, तब आप उस पर अंकुश नहीं लगाते, उस पर रोक नहीं लगाते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अगर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए तो इस बात को लेकर कि विदेशी जमीन पर आप कुछ और करते हैं मगर यहां घरेलू तौर पर कुछ और सियासत चलती है, माफी इस बात को लेकर माफी मांगी, रिपीट, माफी इस बात को लेकर मांगी जानी चाहिए। मगर जो तमाम बयानात प्रधानमंत्री के आपको मैंने सुनाए हैं, क्या इस बयान के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चाहे राहुल गांधी हूं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर वो देश की समस्याओं का जिक्र विदेशी जमीन पर करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, क्यों ना करें, वो जरूर करना चाहिए। इसलिए ना राहुल गांधी माफी मांगे ना प्रधानमंत्री माफी मांगे। किस बात के लिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए वो मैं आपको बतला चुका हूं। और हां, एक और बात मैं आपको दो मिसाल देना चाहता हूं। हाल ही में कर्नाटक में कुछ सरकारी कार्यक्रम हुए, एक सरकारी समारोह था, अब सरकारी समारोह के मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री कांग्रेस को गाली दे रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, चलिए गाली नहीं दे रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक सरकारी समारोह है। मैं जानता हूं कि आप कर्नाटक का चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि आप एक मंच से खड़े होकर, एक सरकारी मंच से खड़े होकर विपक्ष को गाली दें। सरकारी समारोहों का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वो एक्सप्रेसवे जो कुछ दिनों बाद टूटने लगा था, उसके उद्घाटन समारोह में भी प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर ताने दिए थे। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और ये जो दो मिसालें, चाहे वो कर्नाटक है या उत्तर प्रदेश, उसे देने का मकसद यही है कि सरकारी समारोहों का इस्तेमाल विपक्ष की आलोचना के लिए प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है ना, वो इन तमाम चीजों से ऊपर है। मैं जानता हूं आप एक राजनेता हैं, मैं जानता हूं, मगर जब आप प्रधानमंत्री पद का चोगा पहनते हैं तो आपको अधिकार नहीं है कि आप सरकारी समारोह में खड़े होकर विपक्ष की आलोचना करें। हां, अगर कोई प्राइवेट समारोह है, अगर कोई चुनावी समारोह है, मसलन विदेशी जमीन पर जो आपने मैडिसन स्क्वायर में या स्पेन में या दोहा में एनआरआईज के लिए जितने भी कार्यक्रम किए, मैं ये मानता हूं कि इनमें से अधिकतर सरकारी समारोह नहीं थे। ऐसे में किसी भी गैर सरकारी मंच पर आपको पूरा अधिकार है कि आप पुरानी सरकारों की बात करें, उनकी आलोचना करें, मगर जैसे ही आप एक सरकारी मंच पर आ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूमिल करते हैं। मगर हां, निजी समारोहों में, चुनावी कार्यक्रमों में आपको पूरा अधिकार है। और उसी तरह से मैं पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों को भारत में दखल देने की बात की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, लिहाजा उनकी माफी मांगने का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार कह चुके हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसका अनुसरण ना राजनाथ सिंह को करना चाहिए ना पीयूष गोयल को करना चाहिए। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।